अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत ही इजी और यम्मी डिश बनाने लगी हूँ, वो है मैंगो डेजर्ट। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी नोट करवाने लगी हूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स। जी गाइस, यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 kg मैंगो, फुल साइज इस तरह का हार्ड, थोड़ा सा हार्ड लिया है मैंने। तो गाइस, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने 4 slices जो लिए हैं मैंने ब्रेड के लिए हैं, और 1 kg मैंगो लिया है मैंने। हाफ केजी मैंगो को मैंने बारीक कट किया है और 1/2 kg मैंगो को मैंने मोटा कट किया है। तो यहाँ मैंने 2 cups क्रीम ली है, कंडेंस मिल्क लिया है 4 to 5 spoons, और 1 cup लिया है मैंने मिल्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक है। ये पक पक के 3 cups था ये, और ये पक पक के 1 mug हो गया है। 1/2 kg जो है मैंने मैंगो को, इसकी प्यूरी बनानी है, मैंगो प्यूरी। 1/2 kg मैंगो की मैंने प्यूरी रेड करनी है, इसको मैंने ग्राइंड करना है। मिल्क ऐड करने लगी हूँ, प्यूरी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की आपने थिक रखनी है। अब मैं इसमें 2 spoons जो है कंडेंस मिल्क ऐड करने लगी हूँ। इसको मिक्स करेंगे। सो गाइस, मैंने ये कंडेंस मिल्क और मैंगो प्यूरी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो गाइस, ये जो 1/2 kg मैंगो था, अब मैं इसमें 1 tablespoon जो है कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको मैंने मिक्स कर दिया है कंडेंस मिल्क डाल के मैंगो में। तो गाइस, अब मैं ब्रेड के स्लाइस को इसमें डिप करूंगी। मैं इसमें लगा दूंगी। तो गाइस, ये क्रीम है, अब मैं इस क्रीम में मैंगो प्यूरी ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए आप, ये मैंगो प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और इसको मिक्स कर लिया है। तो गाइस, ये मैंगो प्यूरी और क्रीम मैंने ऐड कर ली थी, अब मैं इसके ऊपर ये डालूंगी। और अब मैं इसमें मैंगो स्लाइसेस ऐड करने लगी हूँ। बहुत ही यम्मी डिश है, और स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, मैंगो स्लाइसेस मैंने लगा दिए हैं, और अब मैं इसमें क्रीम और मैंगो प्यूरी जो मैंने मिक्स की थी वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो गाइस, अगेन मैं ऐसे ही मैंने स्लाइस को इसमें डिप किया मैंगो प्यूरी में। तो गाइस, सेकेंड लेयर भी मैंने इसमें लगा दी है, और अब मैं इसमें मैंगो ऐड करूंगी। अगर आपको मैंगो ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो गाइस, क्रीम और मैंगो प्यूरी को मैंने
इसमें मिक्स किया और अब मैं इसकी सेकेंड लेयर भी इसी तरह से लगाने लगी हूँ जिस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर लगाई थी। रेडी हो चुके हैं क्रीम। मैंने यहाँ इसमें मैंगो प्यूरी और क्रीम ऐड करके इसमें ऐड लगा दी है सेकंड लेयर भी और अब मैं इसको नीट एंड क्लीन करने लगी हूँ। सो गाइस ये बिल्कुल रेडी हो गया है मैंगो डेजर्ट और अब मैं इसकी डेकोरेशन करने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। डिजाइन बनाने लगी हूँ, ये आप देख सकते हैं। सो ये मैंगो डेजर्ट रेडी हो गया है। सो गाइस मैंगो डेजर्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत यमी बना है और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी ये रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़रूर ट्राई भी करेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जो लोग न्यू हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं।